कैबिनेट की बैठक कल हो सकती है और कई बड़े फैसले भी इस बैठक में हो सकते हैं। सीजीपीएससी मामले की सीबीआई जांच पर मुहर लग सकती है, तो वहीं 3100 में धान खरीदी पर फैसला हो सकता है। महतारी वंदन योजना पर भी निर्णय हो सकता है। पुन्नी मेले का नाम बदलकर रखा जा सकता है राजिम कुंभ। साई कैबिनेट की बैठक होगी और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कल बैठक होगी और इसमें कई सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सीजीपीएससी इसमें शामिल है, वहीं धान खरीदी का मुद्दा भी शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, साई कैबिनेट की बैठक होनी है और ये कल बैठक होगी, बेहद खास इसे बैठक को मान सकते हैं, चूंकि बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर जो है मुहर लगेगी, चाहे सीजीपीएससी की बात हो, धान खरीदी की बात हो, महतारी वंदना योजना की बात हो, बड़े निर्णय इसमें हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए नए वर्ष में ये पहली कैबिनेट में ये कैबिनेट की पहली बैठक है और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 3100 रुपये जो धान का समर्थन मूल्य है उस पर फैसला हो सकता है। इसके साथ ही जो कहा जा रहा है कि पुन्नी वेले का नाम बदलकर राजिम कुंभ रखा जा सकता है। एक बड़ा यहाँ पे उत्सव की तरह इसको मनाया जाता था बीजेपी शासन काल में, लेकिन कांग्रेस जब आई 2018 में तो इसको पुन्नी मेला कर दिया गया। इसके बाद अब बीजेपी के शासन में फिर से इस पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही जो मोदी की गारंटी है उस वो सभी फैसलों पर जो है विचार किया जा सकता है। आज होना था बैठक लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया है, ये बैठक कल रखी गई है। कल दोपहर 3 बजे विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में होनी है। जी जी ठीक, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। नया साल है, नए जो है निर्णय लेने की तैयारी में अब जो है सरकार है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए।